गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज संडे है और आज अलग काम करने वाले हैं और वो है चिकन बिरयानी बनाएंगे। तो लगभग सारा सामान तैयार है और देखें कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आप लोग देखिए हम कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। पहले हम लोग चिकन को सारा मसाला वगैरह डाल के उसको मैरिनेट करेंगे, उसके बाद उसको एक दो घंटे रखेंगे मैरिनेट करके, फिर आगे का काम। ओके, सो लेट्स गो। चिकन है और इसमें हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर चुके हैं। अब इसमें डालेंगे, ये है ग्रीन चिली को ग्राइंड करके बनाया गया। ये दोस्तों, ये नींबू डाल रहे हैं, नींबू का जूस पूरा एक, नमक 2 चम्मच एज पर टेस्ट, पुदीना मुट्ठी भर, लाल मिर्च पाउडर लगभग 4 चम्मच, गरम मसाला है इसमें लगभग 4 चम्मच देना है, ये डालना है लगभग 6 चम्मच, तो 6 नहीं डालेंगे, 1, 2, 3 लगभग 4.5, 4 तेज पत्ता, गरम मसाला डालना है जैसे इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, ये दालचीनी है और ये जावित्री, जावित्री वही ना तलत, सावित्री की बहन है ना। हाँ, तो ये सबको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर दही, ये दही, केवड़ा एसेंस डालते हैं सेंट के लिए, बस ये महक के लिए है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप डालें। ये केवड़ा एसेंस था। इसके ऊपर प्याज भुना हुआ, अब इसको मिक्स करना पड़ेगा, तो हाथ से मिक्स करना बेहतर होगा क्योंकि अच्छे से मिक्स होगा। तो दोस्तों, आई एम एक्साइटेड एंड सुपर एक्साइटेड बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर बिरयानी बाय माई सेल्फ और लोग खाएंगे, पता नहीं कैसा बनेगा, बट दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि मैं बिरयानी बना रहा हूँ आज, और बनेगा फिर बताएंगे, लोगों से पूछेंगे कि कैसा बना, जो जो खाएंगे। और ये कुछ मटेरियल को ज़्यादा हो गया इसलिए इसे बड़े बर्तन में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैरिनेट करके लगभग 1 घंटे इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। आप लोग जानते नहीं हैं कि मेरे पास ये भी एक अलग क्वालिटी, खैर कोई बात नहीं, दिस इज वन ऑफ माय अदर टैलेंट्स विच नन ऑफ यू हैव सीन एवर। ये अच्छे तरह से मिक्स होगा क्योंकि मैरिनेट होना है ये। ये लगभग 3.5-3 kg चिकन है और उतना ही चावल का बिरयानी बनेगा।
तो लगभग ये मिक्स हो गया है। अब इसको एक घंटे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे और बाय द टाइम आई विल हैव माय मॉर्निंग टी विद बिस्किट्स। सो दिस इज गोइंग फॉर मैरिनेशन फॉर 1 आवर। मेरी चाय आ गई है, ये टी विदाउट शुगर, मिल्क टी एंड 2 बिस्किट्स और 1 ग्लास पानी। पहले पानी पी लूं और संडे मॉर्निंग विद बिस्किट्स एंड टी। दोस्तों अब यहाँ हम लोग चावल की तैयारी कर रहे हैं। ये पतीले में आपको पानी लेना है, कितना पानी, जितना चावल आप बना रहे हैं उसके डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इसको गर्म करना है, फिर इसमें गर्म मसाला। तुम लोग तो जा रहे हो कहीं, ठीक है, लंच में नहीं डिनर में खा लेना इसको, और मेरे सब्सक्राइबर्स को बताना क्या टेस्ट आ रहा है। ये बता दे रहे हैं बहुत उम्दा 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 क्यों नहीं आएगा, इसमें सावित्री की बहन जावित्री भी डाले हैं वगैरह बात डालेंगे और फिर आपको बताएंगे। के बाद जब पानी गर्म होने लगे तो तेज पत्ता लेंगे, तेज पत्ते को डाल देंगे और कुछ मसाला जो है इसमें हम लोगों को डालना है, इलायची, गोल मिर्च, लौंग, दालचीनी, जावित्री वगैरह। तो इसको हम लोग एक पोटली बना के डालेंगे कपड़े का, सूती कपड़े का। क्यों? क्योंकि जब ये चावल डालेंगे तो खाने में कुछ लोगों को पसंद नहीं है, मसाला आता है खाने के वक्त, इसीलिए इसको पोटली बना के ही इसमें डाल देंगे। सारा इसका टेस्ट आ जाएगा इस पानी में और उसके बाद पोटली को हम लोग लास्ट में निकाल देंगे। तो इसके बाद हम लोगों को चावल डालना पड़ेगा। हाँ, एक चीज भूल गए थे, वो जो नींबू हम लोग नींबू का रस जो गा रहे थे और स्क्वीज करने के बाद जो बचा ये, इसको भी इसमें डाल देंगे, टेस्ट आता है इसमें। तो इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसमें चावल डालेंगे, ढक दें ताकि ये गर्म हो जाए, फिर आगे का बताते हैं। पतीला लेके उसमें घी डाले हैं जो कि गर्म हो रहा है, इसके बाद इसमें जो चावल फूलने को दिया गया है ये चावल, इसको डालेंगे उसमें। ये चावल है नवाजिश का चावल है, 3 kg चावल का बिरयानी बन रहा है। ये चावल भी डाल दें, और इसमें डालेंगे 6-7 कटी हुई मिर्च, ये ऐसा कटा होना चाहिए बीच से, और बिरयानी मसाला, इसको मिक्स करेंगे पूरे को। एज आई एम लेफ्टी तो विद द लेफ्ट हैंड आई फील कंफर्टेबल। खुशबू आ रही है घी और चावल की। अब इसमें थोड़ी देर में पानी डालेंगे, इस पानी को डालना पड़ेगा जो कि गर्म हो चुका, बॉयल हो चुका सारा इसका अर्क मसाले वगैरह का इसमें जा चुका है, इसको
हटाना पड़ेगा। ये रहा पोटली में मसाला और नींबू जो हम हटा दे रहे हैं। ये सारा पानी इसमें डालेंगे। ये पानी निकाल रहे हैं और यहाँ पे डालते जा रहे हैं। So now I am becoming a great chef, you know. इसमें नमक डालते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये पोजीशन है। दिस इज द लुक। चावल डालने के बाद, घी डालने के बाद, सब कुछ। और इसमें थोड़ा सा एसेंस डालना बाकी अभी। हाँ तो दोस्तों, अब लगभग 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट हो चुका है। दोस्तों अब मैरिनेट किया हुआ चिकन हम लोग ले आए हैं और इसमें सरसों तेल डाल दिए हैं जो कि लगभग गर्म हो चुका है। अब इसमें चिकन डालेंगे और भूनेंगे। ये रहा हमारा मैरिनेटेड चिकन। इसको इसमें डालेंगे। ये चिकन भी बनके तैयार है। अब पुलाव के ऊपर इसको बैठाना है लेयर बाय लेयर करके। अब हम लोग खाली पतीला में घी डालेंगे 2-3 चम्मच और गरम करेंगे। ये घी डाल दिए और गरम हो रहा है। घी लगभग खौल गया है, गरम हो गया है। इसमें सहजीरा डालेंगे और इसको पूरे में घी को ऐसे करके। अब इसमें हम लोग बिरयानी बैठाएंगे। दोस्तों अब हम लोग इसको बोलते हैं बिरयानी बैठाना। ये लेयर बनाना है इसका। ये लगभग 3 लेयर बनेगा। ये लेयरिंग कहलाता है बिरयानी बैठाना। फिर चावल डालेंगे। मेहनत बहुत है, कितना मेहनत रंग लाता है कि नहीं अलीसगर? Yes, daddy. Oh my God! ये ऑक्सब्रिज स्कूल का स्टूडेंट है। He speaks in English sometimes at home too. तो ये लास्ट लेयर चिकन का हो गया। अब इसमें चावल फिर से। चावल थोड़ा सा बच जाएगा। इसके ऊपर डालेंगे ये प्याज भुना हुआ। चूल्हे में 20 मिनट जैसा रखना पड़ेगा। अब इसको बंद करेंगे और धीमी आंच में 20 मिनट तक रखेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा गरम घी भी डालेंगे। और
इसके ऊपर कुछ वजन रखेंगे, जब चढ़ाएंगे चूल्हे पे और धीमी आंच में 20-25 मिनट तक छोड़ेंगे। इसके ऊपर कुछ वजनदार चीज रखना पड़ेगा, प्लेट्स और डंबल्स। तो एक प्लेट लेके आते हैं जिम का फायदा उठाते हुए। ये 2.5 kg का प्लेट इसके ऊपर। अब 20 मिनट बाद हमारा बिरयानी तैयार हो जाएगा, तो फिर बताएंगे कैसा लगेगा टेस्ट। ओके, टिल देन बाय बाय। 20 मिनट गुजर गया दोस्तों, अब देखें हमारा बिरयानी कैसा तैयार है। गैस भी ऑफ कर दिया। ये हमारा बिरयानी बनके तैयार। तो ये मेरा बिरयानी रेडी है, देखें जरा इधर दिखाएं। खुशबू भी ठीक है। अब खाने समय खाने वालों से पूछेंगे कैसा बना बिरयानी, फिर बताएंगे। कैसा टेस्ट लगा जाए भैया? बहुत अच्छा, मस्त बिरयानी। ऐसा टेस्ट बहुत कम मिलता है। वाह अरे शाह, अरे का है भाई ऐसा मार्केट को खराब किए हुए हैं, बोलते गाली भी देंगे हमको। अली असगर उधर देखो मामा को, इधर आओ अली असगर, स्पाइडरमैन है। तो बिरयानी का अभी रिव्यू मिलेगा आप लोगों को, कैसा बना है साहब? कैसा बना है? बहुत अच्छा। किसी को पैर में दिखाया? बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा भी करेगा। अच्छा बना है बाबा, अच्छा बना है। और शाहिद अबू पहले बिरयानी से शुरू किए थे, आज चिकन में आए हैं, अब मटन में कब बढ़ते हैं देखा जाए। तो आज का जो बिरयानी का जो मेरा रेसिपी था वो सक्सेसफुल रहा। ये मेरा एक अलग टैलेंट है जो कि सबको नहीं पता था, आज पता चल गया। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग विथ अ न्यू सब्जेक्ट।